हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉट स्पॉट। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नो एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट की एंड स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जब से मैंने इग्नो की वीडियो बनाना स्टार्ट करा है तो मेरे पास मेजर प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरी रहती है कि मैम आप हिंदी मीडियम में कवर कराइए, हिंदी मीडियम में भी कवर कीजिए। तो देखिए, हिंदी मीडियम में ऐसा इन्फॉर्म यू कि प्रॉपर लिख के नोट्स बना के जिस तरीके से मैंने इंग्लिश मीडियम की वीडियो कवर करी है वो कवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, द वेरी बेसिक थिंग लेट मी क्लियर, कि एक तो हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई नहीं करी है, तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जहाँ हिंदी मीडियम में मैं भी थोड़ा सा एक तरीके से बोले कि लड़खड़ा सकती हूँ, नहीं समझ में आएंगे वर्ड, मुझे भी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन येस, क्योंकि कंटेंट क्लियर है। देखिए, इतनी हिंदी स्ट्रॉन्ग एंड डैम श्योर जितने हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं बच्चे उनकी भी नहीं है, तो आपको चाहिए कि आपको बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड सी लैंग्वेज में, आपको बहुत ही सरल से शब्दों में कोई टॉपिक को समझा सके, सो दैट आप उस आंसर को अपने अकॉर्डिंग लिख सके। आपको बस एक प्रॉब्लम क्या है, आपको है कंसेप्ट क्लियरिटी की प्रॉब्लम। एक बार आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कंटेंट को पढ़ के आप लोग उस आंसर को बहुत बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मेजर प्रॉब्लम जो है दैट इज रिगार्डिंग द कंसेप्ट क्लियरिटी, और कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आप लोगों के पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लाइक हमें पता है इग्नू की क्लासेस इतनी फ्रीक्वेंटली होती नहीं है, बहुत नाम मात्र की, और कोरोना की वजह से तो वैसे भी क्लासेस हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। प्लस इग्नू से जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऑलरेडी कहीं वर्किंग है या उसके अपने रीजन है, वो अपने कहीं किसी और तैयारी में बिजी है, तो वहाँ पे इग्नू में उतना टाइम डिवोट वो स्टूडेंट नहीं कर पाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इग्नू स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अब हिंदी मीडियम प्रॉब्लम हमें पता है, अब मुझे भी पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको भी पता है प्रॉब्लम क्या है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आप लोगों को मतलब एक दो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके कुछ टॉपिक समझाए थे, एंड कुछ स्टूडेंट ने उसमें भी बोला था कि ऐसे प्लीज समझ में तो आ रहा है कंटेंट, कि हम लोग सुन के कुछ कुछ बेसिक चीजें ग्रेस्प कर पाएंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ऐसा इन्फॉर्म की मैं लैपटॉप और पेनटैप के जरिए तो नहीं वो चीज़ कवर करा रही हूँ कि मैं आपको स्क्रीन पर लिख के भी बता दूँ, फोन यूज करके मैं यहाँ पे चीजें करा रही हूँ आपको। तो फोन पे जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं समझाती हूँ तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं उस स्क्रीन पे कुछ लिख सकूँ। ठीक है, प्लस मुझे पढ़ते हुए वो बहुत छोटा कंटेंट लगता है पढ़ने में, तो एक इंटरेक्शन आप लोगों के साथ डेवलप नहीं होता, पूरा फोकस हो जाता है कि उस टॉपिक को बस रीड करने में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम मुझे वीडियो बनाते हुए आती है, बनाते हुए फेस करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई मैं उसकी बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अब मेरे पास एक और मतलब एक और तरीका है जो मैं सोच रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, कि व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द पीडीएफ ऑफ आपकी जो भी बुक है, आपकी जो भी मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो भी बुक अवेलेबल है उसकी पीडीएफ मैं अपने पास ओपन करूंगी एंड आई विल रीड ईच एंड एवरी लाइन, और फिर मैं आपको उसको नरेट करके प्रॉपरली समझाऊंगी, जो लिखा है वो बोल के समझाऊंगी, प्लस एग्जांपल लेके इजी शब्दों में जो यूज कर सकते हैं, अगर उसे आगे पीछे कहीं से लिंक करना है, 11 12 का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपने नहीं क्लियर करा और वहां पे वो वर्ड आ गया है तो उस शब्द को हम कैसे क्लियर करेंगे, बिकॉज सोशियोलॉजी की अपनी एक खुद की डिक्शनरी है। सोशियोलॉजी अगर मैं डिक्शनरी ओपन करना स्टार्ट करूँ तो हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड पढ़ते हुए आते हैं जिन पर डिस्कशन करनी जरूरी हो जाती है। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये वीडियो, आज मेरा पूरा प्लान था वीडियो रिकॉर्ड करने का हिंदी मीडियम की, बट प्रॉब्लम क्या आई है कि आपका जो इग्नू का ई कंटेंट ऐप है वो वर्किंग नहीं है। आई डोंट नो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है या आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इग्नू ई कंटेंट नाम से जो ऐप आता है जहाँ पे इग्नू की सारे मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो मतलब मैंने अपने पास जितने भी अवेलेबल फोन है मैंने सब जगह वो डाउनलोड करके देख लिया है, बट कुछ सर्वर की प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो ऐप ओपन नहीं हो पा रहा है, तो मैं पीडीएफ ओपन नहीं कर पा रही हूँ हिंदी मीडियम में। तो अब क्योंकि और ज़्यादा डिले ना हो तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग आपके पास अगर पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी मीडियम की, MSO 1, 2, 3, 4, MSO E 1, 2, 3, 4, MPS 3 आपका और MPS 16. These are the subject जो आपके MA Sociology के subject है in the first year and second year as well. तो इनमें से जो भी PDF आपके पास available है, I'll also search for the PDF कि मुझे PDF हिंदी medium में भी मिल जाए। ठीक है, Telegram पे वैसे मिल जाएंगी PDF, तो मैं भी search करूँगी इसके लिए, और मिल गई तो जो भी PDF मुझे मिल जाती है जिस भी subject की वो subject मैं आपका start कर दूँगी। नॉट इन द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम फुल डिटेल्ड एनालिसिस लाइक यूनिट वन है उसकी, और उसके लिए एक कंडीशन ये है कि पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपने पास वो पीडीएफ ओपन करके रखिए जब मैं चैप्टर समझा रही हूँ, मुझसे सुनिए एंड देन एक बार या तो साथ साथ ही रीड करते चलिए या फिर यहाँ वीडियो देखने के बाद एक बार वो बुक रीड कर लीजिए, बिकॉज मटीरियल को इग्नोर मत करो। बट हाँ, होगा ये कि जब यहाँ से सुन चुके होंगे तो मटीरियल पढ़ोगे तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, कंटेंट माइंड में रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के आंसर में हाथ आपके चल पाएंगे। सो आई होप ये चीज जो है वो थोड़ी हेल्प करे, और अगर आप में से किसी के पास भी पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी मीडियम की इग्नू एमए सोशियोलॉजी की तो फटाफट से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे वो पीडीएफ शेयर कर दीजिए, सो दैट उसके बेसिस पे फिर हम आगे वीडियो बनानी स्टार्ट करें। बाकी अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को डाउट है और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, सो यू कैन
टेक्स्ट मी हियर, आप मुझे या कमेंट करके बता सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई नो मतलब पहले भी इतना टाइम नहीं होता था, चीजें नहीं क्लियर थी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कुछ करा जाए, इंग्लिश मीडियम के लिए फिर भी कुछ बेसिक कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बहुत अवेलेबल है चैनल पे। ऑल्दो दैट इज नॉट इनफ कि वो बहुत है, सब कुछ कवर है उसमें, नहीं बिल्कुल कवर नहीं है सब कुछ। धीरे धीरे वहाँ पे भी एडवांस होते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्लस हिंदी मीडियम के लिए भी साथ साथ ही फुल जो सीरीज है पूरे कंसेप्ट की, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, रेस्ट आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ एमए पॉलिटी, बट वही सर्वर डाउन है, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो होप कि वो ऐप जल्दी चल जाए। अदरवाइज आप में से जिसके पास भी इग्नू का जो भी मटेरियल आपके पास है पीडीएफ फॉर्म में, इंग्लिश मीडियम का मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम की हार्ड कॉपी में भी बुक है, पीडीएफ फॉर्म में भी मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर हिंदी मीडियम का जो भी कंटेंट अवेलेबल है तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे सेंड करें, सो दैट हम जल्दी से यहाँ पे कंसेप्ट अपना स्टार्ट कर सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से। देखिए मैं इसी तरीके से 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, चाहे उसमें एक दो टॉपिक जो भी कवर करें, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक फोन होगा, उसमें मैं आपके लिए टॉपिक पढ़ूंगी और आपको बोल बोल के वो टॉपिक समझाऊंगी, तो इससे एक बेटर कनेक्टिविटी लगेगी। बिकॉज ये होता है ना कि सामने अगर टीचर दिख रहा होता है, सामने पढ़ाने वाला दिख रहा होता है, ठीक है, पढ़ाने वाला दिख रहा होता है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है हम लोगों की कि एक्चुअली में टॉपिक है क्या, समझ में आता है बोल के समझाने में। मुझे भी एक लगता है कि क्लासरूम टाइप फीलिंग, ऑल दो स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं, बट एक थोड़ा फीलिंग लगता है इस तरीके से पढ़ाने में कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं। तो वो फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाने में, बैठ के रिकॉर्ड करने में, दैट इज नॉट द थिंग जिसमें मैं इंजॉय कर पा रही हूँ पढ़ाना। तो इस तरीके से करके देखते हैं, होप इट वर्क्स, कुछ वीडियोज स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप लोगों की मदद मदद हो जाए और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो आप लोग उसे मैक्सिमम शेयर करिए, सो दैट कि उस वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू रख सकें। सो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझसे जो भी जल्द से जल्द पॉसिबल हो मटेरियल शेयर कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।